नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शिव ने सुदामा का वध किया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि भगवान शिव क्यों श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा का वध करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, पुराण के अनुसार माना जाता है कि स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और वीरजा निवास करते थे। वीरजा को श्री कृष्ण पर मोह आ गया था और वहीं सुदामा को वीरजा से प्रेम हो गया था। एक बार हुआ यूं कि जब वीरजा और श्री कृष्ण साथ थे, तभी वहां राधा जी प्रकट हो जाती हैं और वीरजा और श्री कृष्ण को साथ देखकर क्रोधित हो जाती हैं। क्रोध के मारे राधा जी ने वीरजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का शाप दे दिया और किसी कारणवश सुदामा को भी राधा जी ने गोलोक छोड़कर पृथ्वी पर रहने और राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राजधम के वहाँ शंकरचूर्ण के रूप में हुआ। वहीं वीरजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। शंकरचूर्ण ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या की और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर शंकरचूर्ण को एक सुरक्षा कवच दिया और ये वरदान दिया कि तुम धर्मराज की पुत्री तुलसी से विवाह कर लो और जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी और ये सुरक्षा कवच जब तक तुम्हारे साथ रहेगा, तब तक तुम्हें कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। ऐसा वरदान पाकर शंकरचूर्ण तुलसी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ब्रह्मा देव ने उन्हें तुलसी के साथ विवाह करने का आशीर्वाद दिया है। तुलसी एक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। शंकरचूर्ण की ये बात सुनकर तुलसी उनके साथ विवाह करने को तैयार हो जाती है। विवाह के बाद शंकरचूर्ण को पराजित करना देवताओं के लिए मुश्किल था। इसके कारण शंकरचूर्ण का देवताओं पर अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। देवतागण परेशान होकर भगवान शंकर से शंकरचूर्ण का वध करने का वचन मांगते हैं और भगवान शिव विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप शंकरचूर्ण से उसका कवच मांगकर तुलसी का शंकरचूर्ण पर विश्वास नष्ट करें। फिर भगवान विष्णु शंकरचूर्ण के पास एक ऋषि का रूप बनाकर जाते हैं और उसे अपना सुरक्षा कवच दान करने को कहते हैं। शंकरचूर्ण अपना कवच ऋषि को दान कर देते हैं। इसके बाद विष्णु जी वो कवच पहनकर और शंकरचूर्ण का स्वरूप बनाकर तुलसी के सामने प्रकट होते हैं। तुलसी शंकरचूर्ण के रूप में आए विष्णु जी को अपना पति मानकर उनके साथ पत्नी धर्म निभाती है, जिसकी वजह से तुलसी का विश्वास शंकरचूर्ण से नष्ट हो जाता है। इसके बाद भगवान शंकर शंकरचूर्ण का वध कर देते हैं और देवताओं को शंकरचूर्ण के अत्याचारों से मुक्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सुदामा के पूर्ण जन्म शंकरचूर्ण का भगवान शिव द्वारा वध होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ग्रंथों और पुराणों से जुड़ी रोचक कथाएं जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखें। धन्यवाद।